कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज श्रुति एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ द टॉपिक फ्रेंचाइजिंग। आज हम फ्रेंचाइजिंग के बारे में पढ़ेंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए फ्रेंचाइजिंग क्या होता है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर एक डेफिनेशन दी हुई है, एन अरेंजमेंट अंडर विच वन ऑर्गेनाइजेशन ग्रांट्स अदर ऑर्गेनाइजेशन अ बिजनेस। ठीक है, अभी हम इतना देखते हैं। एक ऐसा अरेंजमेंट या फिर आप एक एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को एक राइट दे देती है, अधिकार दे देती है कि आप हमारे अब इस बिजनेस को यूज कर सकते हैं, आप हमारे बिजनेस को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, तो वो क्या होता है आपका फ्रेंचाइजिंग। लेकिन इसमें और क्या कंडीशंस होती है, राइट तो दे देती है इन एक्सचेंज ऑफ सम रॉयल्टी और फी। जो इसके अंदर दो पार्टीज होती हैं, फर्स्ट पार्टी होती है जो कि बिजनेस को दे रही है आगे, और दूसरी पार्टी होती है जो कि बिजनेस को चलाना चाहती है। तो जो पार्टी बिजनेस को चलाना चाहती है वो क्या करेगी, इन एक्सचेंज उस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ रॉयल्टी देगी, कुछ फीस देगी। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आप लोगों को मेडिसिन देते हैं। ठीक है, अब मेडिसिन देने के बाद आप उनको क्या देते हैं, उनकी फीस देते हैं। तो कुछ कुछ इससे रिलेट करके आप इसको देख सकते हैं। इसी तरीके से एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को एक राइट दे देती है, अधिकार दे देती है कि आप हमारे अब इस बिजनेस को आगे यूज कर सकते हैं इन एक्सचेंज ऑफ रॉयल्टी और फीस। उसके बदले में आपको कुछ रॉयल्टी या कुछ फीस देनी पड़ेगी। ये होता है आपका फ्रेंचाइजिंग। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रेंचाइजिंग। ओके, आई होप क्लियर होगी डेफिनेशन आप लोगों को। उसके बाद देखते हैं, ये जो फ्रेंचाइजिंग का प्रोसेस है इसके अंदर दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक पार्टी जो बिजनेस देगी और दूसरी पार्टी जो बिजनेस को करेगी स्टार्ट या फिर बिजनेस परफॉर्म करेगी। तब जो दो पार्टीज है, फर्स्ट पार्टी आपकी फ्रेंचाइजर और दूसरी पार्टी है आपकी फ्रेंचाइजी। ओके, फ्रेंचाइजिंग से ही नाम निकले। ये जो फ्रेंचाइजिंग है ये है एक प्रोसेस और इसके अंदर दो पार्टीज इन्वॉल्व है, और वो पार्टीज कौन सी है आपकी, फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी। अब ये दोनों होते क्या है देखिए। फ्रेंचाइजर होता है द फर्म विच ग्रांट्स राइट, वो फर्म जो कि अधिकार दे रही है आगे, जो कि राइट दे रही है आगे कि हाँ जी आप यूज कर सकते हो हमारे इस बिजनेस को। और फ्रेंचाइजी वो पार्टी होती है जो कि बिजनेस को लेना चाहती है कि आगे कंटिन्यू करने के लिए। ओके, जैसे मान लीजिए मैं हूं और मेरे सामने एक और है, हमें आप ऑर्गेनाइजेशन मानिए, एक ऑर्गेनाइजेशन हूं मैं और सामने एक और ऑर्गेनाइजेशन है। मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है मान लीजिए उसका नाम है मैगडी। ठीक है, मैगडी से तो आप लोग बहुत ज्यादा वाकिफ होंगे सभी लोग, तो मैगडी। ठीक है, अब आगे वाला इंसान मुझसे कह रहा है कि हम आपकी फ्रेंचाइजिंग लेना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं उसको कैसे फ्रेंचाइज दूंगी अपनी, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई मैगडी, तो मैं देने वाली हूं, तो मैं कौन हूं, फ्रेंचाइजर। और जो सामने वाली पार्टी मेरे पास आएगी कि जी हम आपकी फ्रेंचाइजिंग लेना चाहते हैं, तो जो पार्टी फ्रेंचाइजिंग लेना चाहती है वो होती है फ्रेंचाइजी। ओके, तो दो पार्टीज इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा सारा पॉइंट टू पॉइंट साथ के साथ, आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। फिर अब जो ये फ्रेंचाइजी है, इसको फ्रेंचाइजी तो कहा जाता है लेकिन इसको फ्रेंचाइज होल्डर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो फ्रेंचाइज ले रहा है। अगर वो मैगडी वाले के पास गया है, मैगडी के ओनर के पास गया है कि जी मुझे आपकी फ्रेंचाइज चाहिए, तो अब कौन होल्ड करेगा उसे आगे, एक और उसकी ब्रांच बन जाएगी, तो वो क्या हो गया, फ्रेंचाइज होल्डर। तो फ्रेंचाइजी को फ्रेंचाइज होल्डर भी कहा जाता है। ओके, तो फ्रेंचाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें दो पार्टीज के, दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। एक पार्टी अपना बिजनेस का राइट आगे दे देती है, एक्सक्लूसिव राइट आगे दे देती है कि आप हमारे बिजनेस को यूज कर सकते हैं इन एक्सचेंज ऑफ सम रॉयल्टी एंड फीस। और इसके अंदर दो पार्टीज इन्वॉल्व है, फ्रेंचाइजर जो कि बिजनेस को दे रही है आगे, सौंप रही है, राइट दे रही है, और फ्रेंचाइजी जो उस राइट को अब आगे यूज करेगी। ओके, इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं फ्रेंचाइजिंग के, मैकडॉनल्ड जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे मैकडी है, मैकडी आपने देखा होगा सिर्फ एक जगह पर नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड पता नहीं कितनी उसकी फ्रेंचाइजिंग है, कितनी सारी ब्रांचेस हैं। ओके,
इसी तरह से बाटा शूज, बाटा के शूज आपने देखे होंगे हर जगह मिलेंगे आप लोगों को। इसी तरह से डोमिनोज देख सकते हैं आप, और मैकडे आपने देख लिया, केएफसी देख सकते हैं। ये जो सारी हैं ये फ्रेंचाइजी हैं, ओके, ये सारा फ्रेंचाइजिंग का प्रोसेस चलता है, इनकी फ्रेंचाइज लेनी पड़ती है। अपोलो क्लिनिक्स जो कि हेल्थ केयर के लिए बहुत फेमस है, उनके भी फ्रेंचाइजिंग चलती है। तो ये है हमारा प्रोसेस, फ्रेंचाइजिंग क्या होता है, कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती है इसके अंदर, और क्या क्या इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ओके, अब देखते हैं कुछ फीचर्स फ्रेंचाइजिंग के। अभी जो फ्रेंचाइजिंग का प्रोसेस है इसके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स, ये सब सेम होते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। फीचर्स आए कहीं पर, कैरेक्टरिस्टिक्स हो, एट्रीब्यूट्स हो, ऑल आर सेम। ओके, द फर्स्ट फीचर इज टू पार्टीज इन्वॉल्व। जैसे मैंने अभी आपको बताया फ्रेंचाइजिंग के प्रोसेस में दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक होती है फ्रेंचाइजर और एक होती है फ्रेंचाइजी। तो ये सारे जो फीचर्स होते हैं डेफिनेशन और इस पूरे मीनिंग में से निकल कर ही आते हैं। नेक्स्ट आपका रिटन एग्रीमेंट। रिटन एग्रीमेंट में क्या है, जो दोनों पार्टीज है, एक तो फ्रेंचाइजर हो गया और एक आपका फ्रेंचाइजी हो गया, उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है और वो एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में हुआ, क्योंकि आजकल तो कुछ जमाना नहीं है कि लोग कब अपनी बातों से मुकर जाए, ठीक है। तो इसी तरह से रिटन एग्रीमेंट इसलिए होता है ताकि उनके पास एक प्रूफ हो कि हमने फ्रेंचाइज दी है अपनी, और सामने वाले के पास भी प्रूफ हो कि हमने इस वाले ब्रांड की फ्रेंचाइजी ली हुई है, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट। राइट कैसे यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, राइट क्या है, फ्रेंचाइजर एक राइट दे देता है, जैसे आपने देखा ना बिजनेस राइट दे देता है फ्रेंचाइजी को या फिर फ्रेंचाइज होल्डर को, दोनों सेम ही है, कि आप हमारा बिजनेस आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फोर्थ इज पेमेंट और रॉयल्टी। अब जो फ्रेंचाइजी है उसको इन रिटर्न पेमेंट देनी होती है फ्रेंचाइजर को, उस पेमेंट को हम पेमेंट या फीस नहीं बोलते बल्कि रॉयल्टी बोलते हैं, ठीक है, रॉयल्टी उसको बोला जाता है जो इन एक्सचेंज ऑफ दी जाती है। इसमें वही दोनों पार्टीज के बीच में, दोनों पार्टीज इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, फ्रेंचाइजी जो है वो रॉयल्टी देगी फ्रेंचाइजर को। ओके, अब जो रॉयल्टी है वो जरूरी नहीं है, मतलब हर एक फ्रेंचाइज का अलग अलग होता है कि मंथली आप ले रहे हैं रॉयल्टी या आप क्वार्टरली ले रहे हैं, हाफ ईयरली ले रहे हैं, ईयरली ले रहे हैं, वो सब उनका अपना सिस्टम होता होगा, हमें यहाँ पर पढ़ना है फ्रेंचाइजिंग क्या है। ओके, फिर आता है आपका फिफ्थ पॉइंट, दैट इज सपोर्ट। सपोर्ट में क्या आएगा, सपोर्ट में ये है कि जो फ्रेंचाइजर होता है, जो मेन पार्टी है, वो आगे सपोर्ट करती है फ्रेंचाइजी को, क्यों, क्योंकि उसने अपना बिजनेस आगे सौंपा है, उनको राइट दिया है कि आप हमारे बिजनेस को अब चला सकते हैं, तो वो पूरा सपोर्ट करेगी। सपोर्ट किस चीज में करेगी, पूरा स्टाफ प्रोवाइड करेगी, सारी मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, सब कुछ प्रोवाइड करके देगी इनिशियल स्टेज पर, आगे फिर फ्रेंचाइजी उसे रन करेगा। ओके, तो यहाँ पर पूरा सपोर्ट होता है फ्रेंचाइजर का। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका रेस्ट्रिक्शंस। रेस्ट्रिक्शंस मतलब जब किसी के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस, बाधाएं, या फिर आप बोल सकते हैं कुछ बाउंडेशंस लगा दी जाती है। अब यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस क्या हो सकती हैं, देखिएगा फ्रेंचाइजिंग के प्रोसेस में अब जो फ्रेंचाइजर है वो सब चीज प्रोवाइड करा रहा है आगे फ्रेंचाइजी को, तो इसमें क्या है कि रेस्ट्रिक्शन होती है फ्रेंचाइजी पर कि वो अपने तरीके से नहीं चला सकता उसे, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑलरेडी सेट है उसको चलाने के लिए, उस बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, उन्हीं रूल्स और रेगुलेशंस के बेसिस पर उसको वो फ्रेंचाइजिंग आगे कंटिन्यू करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि जब उसका मन चाहे उसे चलाए और जब उसका मन चाहे तो बंद कर दिया, या जब मन चाहे कि हम इसके अंदर न्यू चेंजेस ले आते हैं या व्हाटएवर, ये सब वो नहीं कर सकता। अगर करना भी चाहे तो उसे पहले म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए दोनों पार्टीज के बीच में। ओके, एंड द लास्ट वन इज स्पेसिफिक पीरियड। अब जो ये फ्रेंचाइजिंग का प्रोसेस है ये हमेशा नहीं है कि पूरी जिंदगी भर चलेगा, परमानेंट नहीं होता, स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताती हूँ, मान लीजिए 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है दोनों के बीच में, फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के बीच में 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है कि 5 साल तक आप हमारे इस बिजनेस को चलाइए, तो 5 साल के बाद एक्सपायर हो जाएगा वो एग्रीमेंट उनका, तो एक्सपायरी पीरियड के बाद वो दोबारा से रिन्यू हो सकता है, और रिन्यू कब होगा, जब दोनों पार्टीज के म्यूचुअल कंसेंट पर, जब दोनों पार्टीज एग्री करेंगी कि हम आपको आगे देना चाहते हैं कि आप आगे और कंटिन्यू करें, और फ्रेंचाइजी भी चाहता है कि मैं इसी ब्रांड को आगे और ज्यादा कंटिन्यू करूं। ओके, तो ये सारे थे हमारे फीचर्स जो कि मीनिंग और डेफिनेशंस में से ही निकलते हैं बेसिकली।
तो ओवरऑल ये था हमारा फ्रेंचाइजिंग जिस एग्रीमेंट जिसके अंदर दो पार्टीज होती हैं, ये मैंने आपको सारा बता दिया। इन एक्सचेंज ऑफ रॉयल्टी और फीस जो बिजनेस का राइट है वो ग्रांट किया जाता है। दो पार्टीज होती है, फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी को फ्रेंचाइज होल्डर भी कहा जाता है। और एग्जाम्पल्स इसके जरूर पढ़ लीजिएगा, मैंने यहाँ पर दो तीन एग्जाम्पल्स दिए हैं और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप खुद से आगे अपने एग्जाम्स में दे सकते हैं। तो मैक डी, बाटा, अपोलो क्लिनिक्स एंड डोमिनोज, KFC, आप कोई भी एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज फ्रेंचाइजिंग। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगी फ्रेंचाइजिंग के एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस क्या क्या हो सकती हैं। तो आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा टॉपिक। आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।